हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, सरकारी जॉब केयर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ESIC की तरफ से निकाली गई बंपर भर्तियों की अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़े स्तर पर जो है UDC स्टेनो और मल्टीटास्किंग स्टाफ मतलब की MTS के पदों पर वैकेंसीज रखी गई है, जिनके लिए आपसे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं। आप इन भर्तियों के लिए ऑनलाइन अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सो वीडियो को लाइक से जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि यहां पर आपकी एज लिमिट क्या रखी जाएगी, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा जाएगा, कब से कब तक आप इन भर्तियों का जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, इन भर्तियों के लिए जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, इन सभी टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सो वीडियो को लाइक से जरूर देखिएगा। साथ ही मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। एंड अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबा लें, ताकि आगे आने वाली सभी नई लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसी के साथ में फ्रेंड्स, आप सभी को बता दूं कि जो ESIC की तरफ से वैकेंसीज रखी गई हैं, ये सभी स्टेट के लिए अलग-अलग वैकेंसीज हैं, तो इसके लिए दोस्तों आपको जो है अलग अलग नोटिफिकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। सभी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, कहां से आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने है उसका भी लिंक मैं आपको बता दूंगा। सो दोस्तों, और पूरी डिटेल के साथ में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जो वैकेंसीज रखी गई है ये UDC स्टेनो और MTS पद के लिए रखी गई है। सो चलिए सबसे पहले दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में बात करें, तो दोस्तों इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पूरी डिटेल मैं आपको जो है वीडियो के एंड में दूंगा, लेकिन उससे पहले हम शॉर्ट इंफॉर्मेशन के बारे में जान लेते हैं। तो यहां पर बात कर लूं दोस्तों शॉर्ट इंफॉर्मेशन के बारे में, तो यहां पर देखिए दोस्तों, जो इसकी फॉर्म स्टार्ट जो आपके हुए हैं, ये 15 जनवरी 2022 से स्टार्ट हो चुके हैं, और आपकी जो लास्ट डेट रखी गई है ये 15 फरवरी 2022 रखी गई है। सो 15 फरवरी 2022 से पहले पहले आप इस भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। वैकेंसीज की डिटेल दोस्तों स्टेट वाइज या फिर रीजन वाइज वैकेंसीज जो है आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। सभी स्टेट की अगर मैं वैकेंसी यहां पर बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता हूं कि आपके लिए जो है ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाए। सो मैं यहां पर आपको जो सिर्फ टोटल वैकेंसीज बताऊंगा कि टोटल वैकेंसीज क्या रखी गई हैं। तो यहां से देखिए दोस्तों, टोटल वैकेंसीज की अगर बात करूं तो 1726 पद रखे गए हैं यहां पर UDC पद के लिए, मतलब कि अपर डिवीजन क्लर्क के लिए, और 163 पद रखे गए हैं यहां पर स्टेनो के लिए। स्टेनोग्राफर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, यूडीसी की अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, और यहां पर MTS 200 मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 1931 वैकेंसीज रखी गई हैं। सो अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। वेस्ट बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, एंड इसी के साथ में रीजनल ऑफिस दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, पांडुचेरी एंड उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला, कर्नाटका, झारखंड, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, गोवा एंड डायरेक्टरेट मिडिल दिल्ली, दिल्ली एंड इसी के साथ में छत्तीसगढ़, बिहार और आंध्र प्रदेश, इन स्टेट से वैकेंसीज रखी गई हैं जिनके लिए आप आवेदन कर पाएंगे। बात करता हूं दोस्तों सैलरी के बारे में, तो यहां पर अगर आप यूडीसी और स्टेनो पद के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 25,500 रुपए से 81,100 रुपए तक यहां पर सैलरी मिलने वाली है, जो कि बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। और अगर आप MTS पद के लिए अप्लाई करते हैं तो 18,000 से 56,900 रुपए आपको पर मंथ पे इसके लिए यहां पर मिलने वाला है, एंड 7 CPC आपको यहां पर मिलेगा दोस्तों, तो अच्छी खासी सैलरी आपके यहां पर बनने वाली है। एज लिमिट की अगर मैं बात कर लूं तो यूडीसी एंड स्टेनो पद के लिए आपकी जो है 18 से 27 साल एज लिमिट होनी चाहिए, और 15 फरवरी 2022 तक आपकी जो है एज को काउंट किया जाएगा। इसी के साथ में MTS पद के लिए बात कर लूं तो 18 से 25 साल वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, आपकी मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25 साल एज लिमिट होनी चाहिए अगर आप MTS पद के लिए अप्लाई करते हैं। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात कर लूं दोस्तों यहां पर एलिजिबिलिटी के बारे में, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो अगर आप यूडीसी पद के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास में ग्रेजुएशन होना जरूरी है। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से या फिर किसी भी बोर्ड से आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसी के साथ में स्टेनोग्राफर के लिए अगर आप 12वीं क्लास जो है पास कर चुके हैं तो आप यहां पर आवेदन कर पाएंगे। साथ ही में दोस्तों आपके पास में जो है यहाँ पर टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से जो है आपको ट्रांसक्रिप्शन करना होगा, 50 मिनट में इंग्लिश में और 65 मिनट में हिंदी में, ये आपका कंप्यूटर पर रहेगा। MTS पद के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास में जो है 10th पास होना जरूरी है, अगर आप 10th पास हैं तो आप MTS पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। एप्लीकेशन फीस आपको यहाँ पर SC ST कैटेगरी को 250 रुपये जमा करवानी होगी, एंड जनरल OBC कैंडिडेट को 500 रुपये एप्लीकेशन फीस देनी होगी। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में,
में, तो आपका यहाँ पर प्री एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, उसके बाद में मेंस एग्जाम होगा एंड उसके बाद में कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा। जी हाँ दोस्तों, एमटीएस पद के लिए आपका जो है कंप्यूटर स्किल टेस्ट नहीं रहेगा। बात करता हूँ दोस्तों सिलेबस के बारे में एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो उसका जो है नोटिफिकेशन, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आप इसका जो है सिलेबस चेक कर सकते हैं एंड एग्जाम पैटर्न चेक कर सकते हैं। एंड दोस्तों किस तरीके से आप अप्लाई कर पाएंगे, तो esic.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा रहे हैं, जहां से आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इस भर्ती के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 15 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट 15 फरवरी रखी गई है। अब बात करता हूं दोस्तों अप्लाई ऑनलाइन का लिंक देने की, तो देखिए सबसे पहले आप जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके सामने कुछ इस तरीके का जो है पोर्टल खुल करके सामने आ जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप यहां पर नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हैं, नोटिफिकेशन डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करके, तो दोस्तों यहां पर आप चेक कर लीजिएगा ऑफिस दिल्ली के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहां से देख लीजिएगा, अगर आप आंध्र प्रदेश से लिए अप्लाई करते हैं तो आप आंध्र प्रदेश का नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, बिहार का नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ का नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, दिल्ली रीजन से चेक कर सकते हैं, यहां पर मेडल दिल्ली रीजन से चेक कर सकते हैं, गोवा गुजरात एडीसी के साथ में यहां पर हरियाणा हिमाचल प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर झारखंड कर्नाटका केरला एडीसी के साथ में मध्य प्रदेश महाराष्ट्र नॉर्थ ईस्ट एंड उड़ीसा पांडुचेरी, और दोस्तों यहां पर आप चेक कर पाएंगे पंजाब राजस्थान एंड ऑफिस रीजन दिल्ली एंड इसी के साथ में एमटीएस तमिलनाडु के लिए, तेलंगाना के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तराखंड के लिए एंड वेस्ट बंगाल के लिए, सभी का लिंक मैंने एक साथ जो है आप सभी को प्रोवाइड कर दिया है। सो चलिए मैं यहां पर अगर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करता हूं यहां से किसी भी एक का, तो यहां पर आप चेक कर पाएंगे दोस्तों अगर मैं किसी भी, मान लीजिए मैं दिल्ली का नोटिफिकेशन यहां से डाउनलोड करता हूं यूडीसी स्टेनो और एमटीएस पद के लिए, तो आपके सामने जो है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन खुल करके सामने आ जाएगा। यहां पर आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं दोस्तों, मैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑलरेडी यहां पर डाउनलोड कर चुका हूं एंड आपके सामने भी मैंने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके दिखाया है। सो यहां से देखिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम की वैकेंसीज है जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, यूडीसी के लिए कितनी वैकेंसीज हैं वो चेक कर पाएंगे, एमटीएस के लिए कितनी वैकेंसीज हैं एंड स्टेनो के लिए कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। यहां पर बात करता हूं दोस्तों आगे की इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो पे स्केल आपको यहां पर 25,500 रुपए से 81,100 रुपए और 18,000 से 56,900 रुपए प्रोवाइड किया जाएगा। क्वालिफिकेशन आप यहां से जो है ग्रेजुएट डिग्री पास है तो आप यहां पर यूडीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, स्टेनो के लिए 12वीं पास का डेट अप्लाई कर पाएंगे, साथ ही में आपके पास में स्किल टेस्ट का यहां पर जो है आपके पास में टाइपिंग होनी चाहिए एंड मैट्रिकुलेशन मतलब कि 10वीं पास है तो आप एमटीएस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट आपकी 18 से 27 साल रखी गई है और 18 से 25 साल रखी गई है एमटीएस पद के लिए एंड यहां पर एज में आपको छूट जाएगी एससी एसटी कैटेगरी को 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की एंड इसी के साथ में नेशनलिटी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। किस तरीके से आप आवेदन कर पाएंगे वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, सो वीडियो में बने रहिएगा। एंड यहाँ पर आपको एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन की जो है इन्फॉर्मेशन दी गई है, एप्लीकेशन फीस आपको यहाँ पर 250 और 500 रुपये जमा करवानी होगी। इसी के साथ में मोड ऑफ पेमेंट आप यहां से चेक कर पाएंगे एंड आगे की इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर लूं तो यहां पर आपको कुछ इंफॉर्मेशन और दी गई है। सेंटर जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा वो आपका जो भी एग्जामिनेशन सेंटर आप यहां पर चूज करेंगे वही रहेगा, आपको वहां पर एग्जाम सेंटर चूज करना है एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आप यहां से चेक कर सकते हैं। अगर आप अपर डिवीजन क्लर्क के लिए अप्लाई करते हैं तो यहां पर आपका जो है सबसे फर्स्ट प्री एग्जाम रहेगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा और यहां पर 25 क्वेश्चन रहेंगे जो कि इंटेलिजेंस और रीजनिंग से रहेंगे, 25 क्वेश्चन आपके जो है जनरल अवेयरनेस एंड 25 क्वेश्चन क्वांटम एप्टीट्यूड और इंग्लिश के आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन 200 मार्क के रहेंगे, 1 घंटे का आपको यहां पर टाइम दिया जाएगा और हिंदी और इंग्लिश वर्जन में आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ में मेंस एग्जाम आपका यहां पर कंडक्ट करवाया जाएगा जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, क्वांटम एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन और इसी के साथ में इंग्लिश के आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 नंबर के रहेंगे, 2 घंटे का आपको यहां पर टाइम दिया जाएगा एंड इसी के साथ में आपका थर्ड जो स्किल टेस्ट रहेगा वो यहां पर आपका कंप्यूटर टाइपिंग रहेगा जो कि आप यहां से चेक कर सकते हैं। एमएस पॉइंट का आपको जो है 10 नंबर रहेगा, एमएस वर्ड फॉर्मेटिंग का आपको 20 नंबर रहेगा और एमएस एक्सेल का आपको 20 नंबर रहेगा। टोटल 50 नंबर रहेगा, 30 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। क्वालिफाइंग मार्क आपका जो है यहां पर आप चेक कर सकते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो 45%, ओबीसी कैटेगरी के लिए एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 40%, एससी के लिए दोस्तों यहां पर जो है 35% रखा गया है, एससी एसटी और एक्सेप्शनल कैंडिडेट के लिए यहां पर 35%
20% है और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 30% रखा गया है। इसी के साथ में अगर आप स्टेनो के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको स्टेनो का यहाँ पर जो है सिलेबस देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं दोस्तों किस तरीके से आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो देखिए सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर आपको जो है लिंक देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप चेक कर पाएंगे इसका लिंक, यहाँ पर आपको लिंक देखने को मिल रहा है दोस्तों। ऊपर जो है स्लाइड कर रहा है कि क्लिक हियर फॉर सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट फॉर अपर डिवीजन क्लर्क स्टेनो एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पोर्टल खुलकर के सामने आ जाएगा। जैसे ही दोस्तों आप इस पोर्टल को खोलेंगे तो यहां पर आपको जो है इसकी लास्ट डेट वगैरह देखने को मिल जाएगी कि आपकी जो है लास्ट डेट कितनी रखी गई है। सो यहां पर आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 15 जनवरी से स्टार्ट हुए हैं, ये भी आप यहां से चेक कर सकते हैं। एंड 15 फरवरी 2022 इसके लिए लास्ट डेट रखी गई है। और आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में अगर एडिट या फिर करेक्शन करना चाहते हैं तो 15 फरवरी तक कर सकते हैं। 2 मार्च 2022 इसके लिए जो है लास्ट डेट रहेगी अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करने की। एंड ऑनलाइन फीस आप जो है 15 जनवरी से 15 फरवरी तक जो है जमा करवा सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर आपने यहाँ पर नया रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना होगा। देन दोस्तों उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल करके एंड कैप्चा कोड फिल करके सबमिट पर क्लिक करके लॉग इन कर लेना है एंड फाइनल सबमिट कर देना अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करवा करके। सो जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का फॉर्म खोल करके सामने आ जाएगा। सो सबसे पहले आपको यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी होगी, उसके बाद में आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने होंगे, उसके बाद में आपको अपनी जो पर्सनल डिटेल है वो देनी होगी। देन आपको अपना प्रीव्यू चेक कर लेना है। प्रीव्यू चेक करने के बाद में आपको अपलोड करना है। अपलोड आपको मतलब कि फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। एंड यहाँ पर आपको अपना फाइनल जो जो डॉक्यूमेंट्स आपसे यहाँ पर मांगे जाते हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे। देन दोस्तों आपको अपना पेमेंट करके यहाँ पर जो है फाइनल सबमिट कर देते हैं। एंड ये सारी इन्फॉर्मेशन करने के बाद में आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है फाइनली सबमिट कर पाएंगे इस भर्ती के लिए। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस भर्ती से संबंधित सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को पसंद आई होगी एंड वीडियो भी आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। सो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। एंड अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटे के बटन को जरूर दबा लें। एंड दोस्तों इसी तरीके की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। सो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद दोस्तों।